नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा सातवीं रुचिरा भाग दो का जो पाठ हमने पढ़ा था संकल्प सिद्धि दायक है, भाई संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है, उसी का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं हम उसी का अभ्यास, आपका समय बिल्कुल खराब ना करते हुए। विद्यार्थियों, कोई यदि अपने चैनल पे नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगा घंटी वाला बटन है उसको भी दबा लेना ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपका अध्ययन कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और भाई जो आपको कुछ अच्छा लगता है नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं आपका एक एक कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ता हूं और आपको है ना रिप्लाई भी ज़रूर देता हूं, देता रहा हूं और देता रहूंगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो है ये उच्चारण करना है, हमने बोलने सीखने हैं। अभवत, अकथियत, अगछत, निवेद्यत, अपूज्यत, सौपीति, तप्ति, परविस्त है, अवदत है, वदती समय, वस्ती समय, रक्षती समय, वदती ही, चढ़ती समय, करोती समय है, गस्ती समय है, अक्रोत है, पढ़ती समय। ये जो है उच्चारण हमने कर लिया है। अगला जो प्रश्न है ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें बताने हैं। तो यथा जैसे है ना, वस्ती समय, वस्ती समय, वसंती समय, पूज्यती समय, तो इसका आपको देखिए मैं सीधा उत्तर पे लेके चलता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। जैसे ये है यथा अकथित, तो अकथियताम और अकथियन, इसका कंप्लीट उत्तर जो है मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। यथा वस्ती समय, वस्ती समय, वसंती समय, तो ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। पूज्यती समय, पूज्यता समय, पूज्यंती समय, रक्षती समय, रक्षता समय, रक्षंती समय, चरती समय, चरते समय और चरंती समय, करोती समय, कुरुते समय और कार्यंती समय। इसका जो खै भाग है इसमें देखिए, इसमें आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों बताने हैं। तो अकथियत, अकथियताम, अकथियन, अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। गय में आपको बताना है इसका उसी तरह से अवस, अवस्तम, अवस्त, अपूज्यत, यानी अपूज्य, अपूज्यताम, अपूज्यत, अपूज्यत, अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत, अचर, अचरतम, अचरत। घय में भी आपको इस तरह से बताना है अपठत, अपठाव, अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचियम, अरचियाव, अरचियाम। तो ये आपका दो का क्वेश्चन किया, तीस में है, तीन में है। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे न लिखता है, प्रश्नों के उत्तर आपको केवल एक पद में लिखने हैं। तो तप प्रभावात के सखाए जाता, तप के प्रभाव से के कौन सखाए जाता, कौन कौन जो वो हो गए थे, मित्र हो गए थे भाई, तो हिंसक पशुहा, तो इनके भी सीधे उत्तरों पे चलते हैं। देखिए
तप प्रभाव आता है, हिंसक पशु अपनी सखाए जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका कि पार्वती तपस्यार्थ है कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, तो पार्वती तपस्यार्थ है गौरी शिखरम अगच्छत। अगला प्रश्न है कै शमशान वस्ती, शमशान में कौन रहता है, तो शिव निंदाम शिव शमशाने वस्ती, शिव शमशाने वस्ती। अगला है शिव निंदा सुतवा का क्रोध आ जाता, भाई पार्वती हो गई थी ना शिव की जो है ना बुराई सुन करके, तो शिव निंदा सुतवा पार्वती क्रोध आ जाता। अगला क्वेश्चन है वटु रूपेण है तपोवनम क्या प्रविष्ट है, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रविष्ट हुआ, तो भगवान शिव हुए थे, तो उत्तर आ जाएगा वटु रूपेण तपोवनम शिवम प्रविष्ट है। अगला है कौन कौन से जो है ना वाक्य किसने किसके प्रति कहे थे, जैसे यथा वत्से तप कठिनम भवती, माता ने पार्वती को कहा था, पार्वती एम कहा था, अहम तपम एव त्रिशामि, ये पार्वती ने माता को कहा था। देखिए इनके उत्तर ही हम देख लेते हैं और सीधे सीधे चलिए, तो जैसे माता पार्वतीम, दूसरा पार्वतीम अहम तप एव त्रिशामि, मैं तपस्या ही करूंगी, तो मेना में मेना को मनस्वी कदापि धैर्य न प्रत्यजति, पार्वती विजयाम विजया को कहा था, और अपर्णा इति नामना तो प्रथिता, ये विजया ने पार्वती को कहा था, पार्वती प्रीतो अस्मि त्व संकल्पेन, तो शिव ने कहा था पार्वती को, शरीरम अद्य खलु धर्मशादनम, ये वटु ने विजया को कहा था, अहम त्व कृतो दासो अस्मि, ये भगवान शिव ने पार्वती को कहा था, शिव है पार्वती। अगला प्रश्न है प्रश्ननम उत्तराणी लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखो, पार्वती क्रोधा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित क्यों हो गई, तो इसका उत्तर है पार्वती क्रोधास्ती अवदत यत अरे वाचाल, यानी क्रोधित हो क्योंकि उसने क्या कहा, अरे वाचाल आप श्रद दूर हट जा, जगती ने कोपि शिव से यथार्थ स्वरूपम जानती, यथा त्वम असी तथा वदसी, कि इस संसार में रहते हुए तुम है ना शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानते, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अगला प्रश्न है कै पाप भागम भवति, कौन पाप का भागी होता है, तो शिव निंदा ये करोती श्रणोती च पाप भाग भवति, शिव की निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों ही पाप के भागी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती किम कर्तुम इच्छते, पार्वती ने क्या करने की इच्छा की, तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम सॉरी भाई पार्वती तपस्याम करतुम यचत, पार्वती ने तपस्या करने की इच्छा की। अगला क्वेश्चन है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई, तो पार्वती विजया साकम विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छति, गौरी के शिखर पर जाती है। अगला क्वेश्चन है मंजूषात पदानि चित्वा, पेटिका से पदों को चुन करके समानार्थ कहानी पदानी लिखते हैं, उनके समान पद लिखने हैं, माता का या जैसे माता का क्या है मातृ है मातृ है, तो ये देखिए उत्तरों पे चलते हैं हम सीधे सीधे, आइए शिलायाम, शिलायाम का होता है प्रस्तरे पत्रे, पशु का जंतु है, अंबे का माता, नेत्राणी नैननी, तूष्णिम मौनम यानी चुप, ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसार पद रचना कृत है, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना आपको करनी है। वस्ती समय अवसत, वस्ती समय का अर्थ होता है रहता था और अवसत का अर्थ होता था रहता था, तो आइए इसका भी हम उत्तरों के ऊपर चलते हैं सीधे सीधे, यथा वसति समय अवसत, पश्यति समय अपश्यत, और तपति समय अतपत, चिंतयति समय अचिंतयत, और वदति समय अवदत, गच्छति समय अगच्छत, यथा अलिखत लिखति समय, जैसे अलिखत लिखति समय, अकथयत
कथयति स्मः, अनयत नयति स्मः, अपठत पठति स्मः, अधावत धावति स्मः, अहसत हस्ति स्मः। तो विद्यार्थियों, ये हमने अभ्यास जो है आपका कर लिया है। हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।